अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू HTML, हम लोग वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, पहला HTML फिर CSS, तो आज HTML से स्टार्ट करते हैं। और इस आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML, देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज, और उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जो फॉर्मेट करती हैं HTML पेज को, और फिर लिस्ट हम लोग किसी और में देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू HTML, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब लैंग्वेज है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और आसान लैंग्वेज है। इट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। HTML करती क्या है, ये वेब पेज का जो ढांचा होता है उसको बनाने के लिए मदद करती है, और कैसे आउटलाइन, कैसे डिस्प्ले होना है, वो चीज़ें। HTML इज़ अ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, इट इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इज़ अ सेट ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस और फॉर्मेटिंग करने के लिए और लिंकिंग द इंफॉर्मेशन, मतलब एक पेज को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक करना हो तो HTML यूज़ करते हैं। और ये ब्राउज़र डायरेक्ट इंटरप्रेट करता है, ये कंपाइलर नहीं होता, इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन चलती है। HTML को लाइन बाय लाइन रन किया जाता है, ब्राउज़र रन करता है फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। नेक्स्ट वन जी, अब हाइपर टेक्स्ट अलाउ फॉर नॉन लीनियर लिंकिंग ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स। लीनियर, नॉन लीनियर होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि एक लाइन में ही टेक्स्ट हो तो उसको लिंक किया जाए। नॉन लीनियर लिंकिंग को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप लैंग्वेज, कंटेंट इज मार्क्ड और टैग्ड टू टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले इट। मार्क किए जाते हैं, निशान लगाया जाता है कि यहाँ से जी बोल्ड हो रहा है, यहाँ से इटैलिक हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, वो चीज़ है। इसके स्टैंडर्ड बनाती है W3C, जिसको हेड करता है टिम ली, जिसने HTML बनाई थी। W3C इसकी ऑर्गेनाइजेशन है जो HTML को ऑन करती है। 1991 इज़ द ईयर जब टिम बर्नर्स-ली ने स्विट्ज़रलैंड के अंदर HTML को बनाया, और इसका मेन पर्पस था साइंटिस्ट अपनी रिसर्च शेयर कर सकें, PhD डॉक्टर्स और रिसर्चर्स अपनी इन्फॉर्मेशन ग्लोबली शेयर कर सकें, ये मेन पर्पस था HTML का। 1995 में HTML2 आई, उसका सेकेंड वर्जन, जो कि बहुत सारे ब्राउज़र में सपोर्ट होने लगा, नेटस्केप नेविगेटर्स और इस तरह विंडोज़ के अंदर। और डैन कनॉली जो था उसने टैग्स को इकट्ठा किया और एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बनाया कि ये कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम वेब पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं। हाँ जी, 1997 HTML का 3.2 वर्जन आया, और ये था वो फर्स्ट स्टैंडर्डाइज वर्जन जिसके अंदर टैग्स थी। 3.2 में जो है वो एपलेट्स, टेक्स्ट फ्लो अराउंड, इमेजेस, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, तो ये चीज़ें इसके अंदर आईं। HTML 4.1 वाइडली यूज़ हुई 1991, और बहुत सारी इसमें स्टाइल शीट्स, फ्रेम्स, बहुत सारा मैकेनिज्म आया। 4.1 बहुत सारी दुनिया ने यूज़ किया। और अब HTML5, तो HTML5 ने तो और ही वेबसाइट के रुख चेंज कर दिया। हम लोग HTML5 को पढ़ेंगे। HTML के अंदर जो टैग्स होती हैं, कमांड होती हैं जो ब्राउज़र को दी जाती हैं जो हम पेज बनाते हैं, टैग्स आर इंस्ट्रक्टेड दैट डायरेक्टली एम्बेडेड इनटू द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। टैग्स वो कमांड्स हैं जो जिनकी मदद से हम वेब पेज बनाते हैं। और इज़ अ सिंगुलर सिग्नल टू ब्राउज़र टू डू समथिंग। टैग्स जो हैं वो सिग्नल हैं ब्राउज़र को कि वो क्या करे, टेक्स्ट स्क्रीन पे शो करवा दें। टैग हमेशा एंगल ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स देन क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स, ये इसकी एग्जांपल है। सबसे पहली टैग जो है वो HTML है। HTML पेयर की सूरत में होती हैं, कुछ टैग्स पेयर्स में होती हैं, कुछ सिंगुलर टैग्स होती हैं। पेयर मतलब जोड़े में, ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग, क्लोजिंग में ये स्लैश आती है। सिंगुलर टैग जिसकी क्लोजिंग टैग ना हो। हाँ जी, HTML केस सेंसिटिव नहीं है, इसको इसमें छोटी ABC और बड़ी ABC दोनों लिखी जा सकती हैं, कोई मसला नहीं है, कोई एरर नहीं आता। मल्टीपल स्पेसेस जो हैं वो सिंगल स्पेस शो होगी। ब्लैंक एंड न्यू लाइन आर इग्नोर्ड, अगर हम कोडिंग में नई लाइन इंटर कर देते हैं तो वो शो नहीं होगी वेब पेज के ऊपर। कमेंट्स देने का तरीका इसके अंदर, कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जो ब्राउज़र इग्नोर कर देगा। ये कमेंट अगर हमने यहाँ पे वो लाइंस लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है, कमेंट्स ऐड कर सकते हैं HTML में। HTML को जब सेव किया जाता है उसकी फाइल, जब कोड को, तो उसको .html से सेव किया जाता है। अब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज शुरू कर रहे हैं।
इसमें सारे का सारा पेज इस HTML की ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग के दरमियान होगा। उसके बाद हेड और बॉडी की टैग आएगी, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है। हेड की टैग के अंदर हेड की ओपनिंग टैग, फिर टाइटल की ओपनिंग टैग, फिर उसके अंदर डाटा, टाइटल की टैग क्लोज, फिर हेड की क्लोज, फिर बॉडी की टैग आएगी हेड के बाद। टैग कमांड होती है, बॉडी जो भी चीज़ नज़र आनी होती है मेन स्क्रीन पे वो बॉडी की टैग के अंदर होती है। ये देखें, ये फर्स्ट HTML पेज इस तरह बनाया जाता है। ये नोट पैड आप ओपन करें, उसके अंदर ये कोड एज इट इज़ लिख दें, HTML हेड, फिर टाइटल, जो चीज़ आप टाइटल बार पे शो करना चाहते हैं, फिर हेड की टैग को क्लोज कर दें, फिर बॉडी की टैग शुरू करें, फिर उसके अंदर जो डाटा आपने डिस्प्ले करना है वो लिखें, फिर बॉडी की टैग को क्लोज़ कर दें और फिर HTML की टैग को क्लोज़ कर दें, और फिर फाइल पे क्लिक करें, सेव, और फिर अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिखें और एंड पे एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी है, .html लिखेंगे फर्स्ट .html, और फिर उसको सेव कर दें। जहाँ पे भी सेव करेंगे डबल क्लिक करेंगे वो ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा और आपका पेज शो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। टैग के बाद एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी हैं, हर टैग के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि हम अगर कलर चेंज करना चाहते हैं बॉडी का, पेज का, HTML पेज का, तो फिर हम BG कलर यूज़ करेंगे, BG कलर, बैकग्राउंड कलर, BG कलर लिखेंगे, फिर उसका कलर बता देंगे, जस्ट लाइक रेड, ग्रीन, जो भी लिखना हो। बैकग्राउंड, ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं तस्वीर लगाने के लिए, अगर बैकग्राउंड पे तस्वीर लगानी हो। और अगर आप लिखाई का कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो फिर आप टेक्स्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। देखें नहीं, हम यूज़ करके देखते हैं। ये जी, बॉडी की टैग स्पेस BG कलर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम कलर दे देंगे, नमेरिक भी लिखा जा सकता है कलर, और आपको जो कलर याद हो ऑरेंज, येलो, वो लिख दें, फिर स्पेस दें, फिर टेक्स्ट इज़ इक्वल टू रेड, ग्रीन, कोई भी इस तरह का कलर मेंशन कर सकते हैं। इस तरह ही अगर आप बॉडी बैकग्राउंड इज़ इक्वल टू इमेज .jpg, कोई भी इमेज लगाना चाहते हैं जो आपके कंप्यूटर में है, .jpg स्पेस दें, टेक्स्ट इज़ इक्वल टू रेड, तो अगर टेक्स्ट का कलर आपने चेंज करना, रेड के अलावा कोई भी लिख सकते हैं। ये इस तरह आप एक पेज सारा बना सकते हैं, उसकी आउटपुट कुछ इस तरह की आएगी ब्राउज़र के ऊपर, ये वो टाइटल में जो लिखा होगा वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये कुछ टैग्स हैं, उनको गौर से देखें जी, बारी बारी देखते हैं। पहली टैग पी की है, पैराग्राफ अगर आपने बनाना है, और अगर इसका एट्रीब्यूट है अलाइन और उसकी वैल्यू है लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, अलाइन इसके अंदर लिखेंगे, जैसे पीछे BG कलर लिखा है हमने। पी की टैग पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। BR की टैग यूज़ की जाती है ब्रेक लाइन, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, वन लाइन ब्रेक, H1, H2, H3, ये H हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, बड़ी हेडिंग के लिए H1, और इसकी 6 स्टाइल होते हैं H6 तक, H1, और फिर उसके अंदर लिखें, H1 को क्लोज़ कर दें, फिर अगर आपको H2 चाहिए या H3 तो वो लिखेंगे। उसके बाद HR, ये टैग यूज़ करते हैं अगर आपने कोई लाइन लगानी हो ब्राउज़र के अंदर, पेज के अंदर, तो HR हॉरिजेंटल रूलर यूज़ करते हैं। इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट ब्लू में हैं। और फिर टेक्स्ट स्टाइल के लिए बोल्ड करना है तो B की टैग यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए I की, और अंडरलाइन के लिए U की टैग यूज़ करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो मैं आपको लिस्ट या फिर कोई और इसी तरह का मिलता जुलता टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।